अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे टमाटर की चटनी। टमाटर की चटनी बनाने के लिए हमने 500 ग्राम टमाटर लिए हैं और उसको अब हम उबालेंगे। इसमें हम पानी ऐड करेंगे, ये मैंने पहले ही धो ली हूँ। इसको हम उबाल कर इसके छिलटे निकालने का है हमको, तो इसलिए हम इसको थोड़ा उबाल लेंगे। इसके अंदर हम अब ढक्कन ढाकेंगे और इसको जोश आए तक का रखेंगे। टमाटर मैंने उबाल ली हूँ, ये देखो। अब इसके हम छिलटे निकाल लेंगे बाफने में। वो देखो इसके छिलटे निकल गए थे। ये टमाटर की चटनी हर तरह से बनती है, हर तरीके से बनती है। मैं ये तरीके से बना रही हूँ। देखो इसके छिलटे एकदम आसानी से निकल जा रहे हैं। ये मैंने निकाल के रखी हूँ छिलटे। ऐसे सबके छिलटे निकाल लेने का अपने को। ये गर्म है अभी, ये देखो ये सब निकाल देंगे। इसको फिर हम ऐसा चूंदा कर लेंगे। इसके अंदर मैंने एक चम्मच तेल ऐड करी हूँ कि इसके अंदर हरी मिर्ची और लहसुन को मैंने कूट ली हूँ, ये इसके अंदर ऐड करूँगी। ये हम जीरा भी ऐड करेंगे इसके अंदर, कड़ी पत्ता। अब इसके अंदर हम राई भी ऐड करेंगे। इसको हम जरा बादामी तक होने देंगे। इसके अंदर हम एक बड़ा कांदा कटिंग करके ऐड करेंगे। कांदा हमको ज़्यादा लाल नहीं करने का है, हल्का सा ही हम वो करेंगे बादामी। लहसुन की खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है, हमने कल लहसुन को बादामी करें तो। कांदा हमारा ऐसा लाल हुआ है। अब इसके अंदर हम हींग ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। अभी मैं सब मसाले इसके अंदर डाल रही हूँ। ये हम हल्दी डाल रहे हैं, हल्दी हमने पाव चम्मच ली है। लाल मिर्ची भी हमने पाव चम्मच ली है, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर है। और ये मैंने जीरा और धनिया कूट के डाली है। इसमें हमने थोड़ा पानी डाल के मसाले को भून लिए हैं। पानी हमको ज़्यादा नहीं डालना है, ज़रा से ही। ये मैंने आधी कटोरी पानी लिए, बस यही डाली। अब इसके अंदर हमने ये टमाटर जो रखे थे वो ऐड करेंगे। अब इसका पानी सूखने तक का हम थोड़ा इसको पकाएंगे। मकई की रोटी बनाने के लिए इतना मैंने मकई का आटा ली हूँ। इसके अंदर हम ज़रूरत के हिसाब से नमक ऐड करेंगे और इसके अंदर हम गरम पानी से आटा मिलाएंगे। ये गरम पानी मैंने पहले ही करी हूँ। गरम पानी से हम इसको मिलाएंगे। ध्यान से आप मिलाना क्योंकि ये पानी गर्म है ना, इसलिए। हमारी चटनी बनके तैयार हो गई है, ये देखो। अब इसके साथ में हम बनाएंगे मकई की रोटी। मैंने आटा ऐसा गूंद ली हूँ इस तरह से, ये देखो। अब इसको मैं 10 मिनट के लिए रहने दूंगी, वहाँ तक का जरा मैं जोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, फिर इसके बाद में हम इसको। हमने इसको बेल लिए है मकई की रोटी को। अब इसको हम सेक के बताते हैं। इसको हमने सेक लिए है इस तरह से, ये देखो ये हो गई माशाल्लाह हमारी रोटी मकई की।
ये हमारी टमाटर की चटनी माशाल्लाह, और ये हमारी देखो मकाई की रोटी, इतनी नरम नरम माशाल्लाह बनी है। ये देखो ये हमारा माशाल्लाह मकाई की रोटी भी अच्छी बनी है और ये टमाटर की चटनी भी है।